हेलो नमस्कार। आज हम जानेंगे कंप्यूटर प्रॉब्लम के बारे में। फ्रीक्वेंटली हैंग हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम डेस्कटॉप और रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे साथ हमारे टेक्नीशियन एक्सपर्ट मिस्टर विनोद बताएंगे आपको। सो अभी शुरू करेंगे। पहले बायस चेक करने के लिए F1, F2 और F10 विथ डेल प्रेस करेंगे। ओके, फिर हम CPU खोल के उसको चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे रिस्टार्ट प्रॉब्लम सिंबल आ रहा है तो मॉनिटर में देख सकते हैं। सो कैसे ऐसे वेलकम लिख के सो अभी CPU खोल के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हैं। अभी मिस्टर विनोद बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, घर बैठे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी अभी भी रिस्टार्ट प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो अभी क्या करेंगे। अभी पहले हम लोग रैम निकालेंगे और रैम निकालने के बाद उसको कुछ रबर है, इरेजर, आपके पास इरेजर होगा और वाइट पेपर भी होगा, उसको आपको पोंछ सकते हैं। पूरा क्लीन कर दीजिए, ऐसे क्लीन करना है। पूरा क्लीन करने के बाद उसको उस वाइट पेपर भी होगा उसको भी पोंछ दीजिए, तो साफ कर दीजिए, उसे लगा दीजिए। वो देखना पड़ेगा उसे बीच में जो वो है स्लॉट है, वो स्लॉट से ठीक से लगाए कि नहीं, उस प्रेस देख के लगाए। प्रेस दोनों हाथ को प्रेस कर दीजिए, ऐसे प्रेस करना है, प्रेस कर दीजिए। ओके, वो का आपको डिस्प्ले मॉनिटर के डिस्प्ले नहीं आ रहे, इसलिए वो रैम को पहले रैम को पूछना होगा। बाद में क्या है, वो SMPS को खोल के उसको पावर सप्लाई निकालना होगा। ओके, पहले पावर सप्लाई है, उसके बाद है वो 12 वोल्ट का भी है और पर निकाल के फिर लगा दीजिए, पावर सप्लाई लगा दीजिए। ये पावर सप्लाई है, ये 12 वोल्ट का है, आपका डिस्प्ले का 12 वोल्ट का है जी, उसको लगा दीजिए। वो लगाने के बाद वो है आपका CMS का बैटरी है, या वो USB का जो फ्रंट पैनल है USB का है, वो फ्रंट पैनल का पावर है लीड और हार्ड डिस्क है लीड और रिसेट का है, उसके पास है हार्ड डिस्क का डाटा केबल है। ये वाला रैम, वाला रैम भी है, वो SMPS पावर सप्लाई है, ये हार्ड डिस्क है, ये टोटल है मदरबोर्ड का है, टोटल जो नीचे वाला लगा हुआ है उसमें मदरबोर्ड है। वो भी फैन है, ये आपका मॉडल है H61 का बोर्ड है, वो जो ऑन हो गया है आपका, वो आ रहा है, वो CMS का एरर है। वो सब चेक करने के बाद जो डिस्प्ले नहीं आ रहे, उसके बाद हम लोग को मदरबोर्ड चेक करना है, क्या मदरबोर्ड, क्या वो हार्डवेयर का कंपोनेंट प्रॉब्लम है, उसका चिपसेट का कुछ प्रॉब्लम है, उसको लेके हम लोग मदरबोर्ड रिपेयर करके सफिशेंट हो जाएंगे। सो अभी बोल रहे थे हमारे हार्डवेयर एक्सपर्ट मिस्टर विनोद कैसे हम घर बैठे चेक कर सकते हैं हमारे सिस्टम को, CPU को। तो अभी वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।